and we are doing worksheet number 5. Yesterday we have done exercise number A and B. Today, so let's start exercise number C on page number 109. Exercise number C. So in this exercise you have to answer the following. Aapko answer dena hai following A, B, C, D 4 diye hai. Sun lijiye pehle. How could you protect yourself in? How could you कैसे how यानी कैसे you यानी आप protect करते हैं अपने आप को protect बचाते हैं yourself अपने आप को in A दिया हुआ है इसमें cold weather यानी होता है ठंडे मौसम में आप अपने आप को ठंडे मौसम में कैसे बचाते हो कैसे protect करते हो तो इसका आंसर होगा we wear woolen clothes in cold weather कैसे बचाते हैं आप अपने आप को ठंड से हम woolen clothes पहनते हैं ना तो we wear woolen clothes in cold weather now second जो है आपका hot weather में आपको मतलब गर्मी के मौसम से आप अपने आप को कैसे बचाते हैं तो we क्या करते हैं उसमें we wear हम पहनते हैं कौन से cotton 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 clothes hot season में यानी कि गर्मी के मौसम में we wear cotton clothes हम cotton के कपड़े पहनते हैं अपने आप को बचाने के लिए now third है rains rain यानी बारिश से बचने के लिए we use umbrella हम क्या करते हैं we use UMBRELLA umbrellas we use umbrellas हम umbrella use करते हैं and be strong तूफानों से बचने के लिए आप क्या करते हो तूफानों से बचने के लिए वी हम क्या करते हैं घरों के अंदर रहते हैं तूफान आते हैं तो उससे बचने के लिए फटाफट से अपने घर के अंदर एंटर कर लेते हैं ना वी रिमेन आर ई एम आई एन रिमेन एट आर होम हम अपने घरों में ही रहते हैं वी रिमेन एट आर होम हम अपने घरों में रहते हैं बट तूफान से बचने के लिए नाउ एक्सरसाइज नंबर डी मेक अ बर्थडे कैलेंडर ऑफ योर क्लास ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट इट अप इन द क्लास इसमें आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन आपको नहीं करना है इसमें एक चार्ट बनाना है और उसमें अपनी क्लास के जितने बच्चे हैं उनके बर्थडे को लेकर के आपको एक अच्छा सा चार्ट पेपर तैयार करना है कैलेंडर बनाना है बर्थडे जिस भी बच्चे का बर्थडे जब आता है उसको उससे रिलेटेड एक आपको चार्ट बनाना है ठीक है तो ये आपको सिर्फ नहीं करना है डू दिस एक्सरसाइज एट अ टीम वर्क इन अ क्लास क्योंकि उसके लिए टीम की पूरी क्लास की बर्थडे आपको पता होना चाहिए वो अभी आपको नहीं पता है क्योंकि आपकी फिजिकल क्लासेस नहीं अभी चल रही है तो इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिएगा नाउ एक्सरसाइज जो ई है उसको भी मैं समझा देती हूँ उसमें आपको क्या करना है टेक सम शीट्स ऑफ द प्लान एंड प्लांट देम इन अ पॉट विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स नाउ नेचर नेक्टर नरेट सॉरी दैट प्लांट वेल एंड सी इट ब्लॉसमिंग इन योर हाउस आपको कुछ प्लांट्स के बीज लेने हैं और उनको अपने घर में पेरेंट्स की हेल्प देके उनको आपको उन शीट्स को आपको बोना है और उसके बाद में आप उनको अच्छे से केयर करना है उनका और अपने घर के अंदर उनकी केयर करने को देखना है ये भी आप कर सकते हैं इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू डू दिस एक्सरसाइज नंबर डी एंड ई नाउ एक्सरसाइज नंबर एफ ड्रॉ योर फेवरेट प्लांट एंड लेबल इट्स पार्ट ये क्वेश्चन आपको करना है इसमें आपको एक प्लांट की पिक्चर ड्रॉ करनी जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने ड्रॉ किया था आपको प्लांट बनाना है ठीक है और उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं जैसे लीव्स हो गए है ना इस तरह से और उसकी रूट्स आपको वो लेबल करने हैं आपको यहाँ पे लिखना है रूट्स देन आपको ये स्टेम देन ये आपकी इसकी ब्रांचेस लीव्स फ्लावर फ्रूट ये डिफरेंट पार्ट जो है प्लांट के वो आपको बुक में भी ड्रॉ करना है पिक्चर एंड आपकी नोटबुक में भी ये क्वेश्चन आपको करना है एफ जो क्वेश्चन है लेबल करना है डिफरेंट पार्ट को नेम लिखने होंगे नाउ एक्सरसाइज नंबर जी राइट इन अ फ्यू लाइंस अबाउट योर कंट्री आप कंट्री इंडिया आपको अपनी कंट्री इंडिया के बारे में कुछ लाइंस लिखनी है यू नो वी ऑल लिव इन आवर कंट्री इंडिया इंडिया इज आवर कंट्री हम जानते हैं हमारी कंट्री का क्या नेम है इंडिया का कुछ लाइंस जो कि आप इंडिया के बारे में जानते हैं वो आपको लिखनी है फर्स्ट इंडिया वी ऑल लिव इन द इन इंडिया वी ऑल लिव इन इंडिया हम इंडिया में रहते हैं इट इज आवर कंट्री ये हमारा कंट्री है
मदरलैंड ये हमारी मातृभूमि है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल जो है दिल्ली है इंडिया की। एंड मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। इंडिया इज लाइज इन एशिया, ये एशिया कॉन्टिनेंट में। इसमें से बहुत सारे लाइन इंडिया के बारे में तो बहुत जितना चीज लिखेंगे हम कम है, अब फ्यू लाइन्स इसमें है, फाइव लाइन्स लगभग आप इंडिया के बारे में लिखेंगे। ट्राइकलर इज द नेशनल नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इसमें से बहुत सारे लाइन इंडिया के बारे में आप लिख सकते हैं। नाउ दिस वर्कशीट इज कम्प्लीटेड एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइज वर्कशीट नंबर 6। ओके।